नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से। दिल्ली पब्लिक स्कूल का शिक्षक गिरफ्तार, गुरु शिष्य का रिश्ता किया शर्मसार। छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने पर डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल का शिक्षक गिरफ्तार। आरोपी शिक्षक क्लासरूम में छात्राओं के बदनीयती से खींचता था गाल और पीठ पर फेरता था हाथ। कक्षा 10 की 8 छात्राओं ने दर्ज कराई थी स्कूल प्रबंधक से हिंदी के शिक्षक की शिकायत। डीपीएस की इंटरनल इंक्वायरी के बाद डीपीएस के वाइस प्रिंसिपल ने दर्ज कराया शिक्षक पर बुलंदशहर कोतवाली देहात में मुकदमा। पॉस्को एक्ट और आईपीसी की धारा 354 के तहत दर्ज की गई आरोपी शिक्षक पर एफआईआर। पुलिस ने आरोपी शिक्षक सुरेंद्र सिंह पुनिया को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर कोतवाली देहात के डीपीएस का मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हापुड़ हलचल पर आप देख रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर से खबर है जहां एक गुरु ने गुरु शिष्य के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। दरअसल ये आरोपी जो गुरु है, डीपीएस स्कूल का ये मामला है जहां पर ये कार्यरत था। शिक्षक फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कक्षा 10 की 8 छात्राओं ने इसके खिलाफ शिकायत की थी स्कूल प्रबंधक से। हिंदी का ये शिक्षक है जो कि बदनीयति से छात्राओं के गाल खींचता और पीठ पर हाथ फेरता था। डीपीएस की इंटरनल इंक्वायरी के बाद डीपीएस के वाइस प्रिंसिपल ने शिक्षक पर मुकदमा दर्ज कराया है बुलंदशहर कोतवाली देहात में। पोस्को एक्ट और आईपीसी की धारा 354 के तहत ये आरोपी शिक्षक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक सुरेंद्र सिंह पुनिया को भी गिरफ्तार कर लिया। डीपीएस स्कूल यहाँ पर है बुलंदशहर में, और उनके प्रशासन द्वारा एक जांच करके एक टीचर सुरेंद्र सिंह पुनिया है, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन दी गई है। उस पर धारा 354 और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम हुआ है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, आरोपी गिरफ्तार नहीं करते। हाँ, आरोप छात्राओं से आरोप। बुलंदशहर कोतवाली देहात के डीपीएस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल।